वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह आप सभी को सादर प्रणाम करती हूँ। आज मैं आपको श्री शिव महापुराण में से भीमेश्वर ज्योतिर्लिंग महात्म्य और विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग महात्म्य सुनाने जा रही हूँ। आइए अब हम ये महात्म्य सुनकर पुण्य धर्म कमाते हैं। सूत जी बोले कि ज्योतिर्लिंग मठिया में भीमासुर द्वारा किया गया उपद्रव कहता हूँ, जिसके सुनने मात्र से मनुष्य की सभी इच्छाएं पूरी हो जाती है। लोक की कामना के लिए कल्याण एवं सुख को देने वाला शिव जी सम प्रकट हुए थे। हे मुनीश्वरों, जिस कारण शंकर भगवान ने यहाँ अवतार लिया वह कथा मैं तुम्हें सुनाता हूँ। पूर्व समय में भीम नामक एक बड़ा वीर राक्षस था, जो सब प्राणियों को दुख देने वाला और धर्म का नाश करने वाला था। वह कुंभकर्ण से करकटी नामक राक्षसी से उत्पन्न हुआ था। अपनी माता के समान ही पर्वत पर रहता था। एक समय जब उसने अपनी माता से और अपने पिता का नाम और निवास का परिचय पूछा तो उसने कहा कि तेरे पिता रावण का भाई कुंभकर्ण था, जिसे रामचंद्र भगवान ने मार डाला, परंतु मैंने अभी तक लंका नहीं देखी है, क्योंकि तेरा पिता कुंभकर्ण यहाँ पर्वत पर मुझे मिला था और उसके द्वारा मैं तुझे उत्पन्न कर यहीं रह गई और वह मुझे लंका लेकर नहीं गया। जब मेरे प्रिय पति को रामचंद्र ने मार डाला तब मैं यहीं अपने माता पिता के पास मायके में रहने लगी। फिर मेरे माता पिता को एक ऋषि ने अपने तप के तीव्र प्रभाव से भस्म कर दिया और उस ऋषि का नाम अगस्त्य ऋषि था। एक समय जब मेरे माता पिता उनको खाने के लिए गए तो उन्होंने उनको भस्म कर दिया। तब से मैं दुखी होकर यहीं अकेला रह रही हूँ। तब उनसे ऐसा सुनकर वह प्रबल पराक्रमी भीम भगवान के ऊपर क्रोधित हुआ और वह मनीमन सोचने लगा कि अब मैं क्या करूँ। रामचंद्र ने तो मेरे पिता को मार दिया और ऋषि ने मेरे नाना और नानी को। मैं ये संकल्प लेता हूँ कि यदि मैं कुंभकर्ण की औलाद हूँ तो मैं हरि को अवश्य पीड़ा पहुँचाऊंगा। ऐसा विचार करके वह भीम दैत्य ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या करने लगा। 1000 वर्ष तक कठोर तपस्या करता रहा। उसके तेज से सभी देवता व्याकुल हो गए और ब्रह्मा जी की शरण में चले गए। अनेक स्रोतों से उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके अपना दुख बताया और कहा कि वह राक्षस जो मांगता है वह वर देकर उसे रोक दीजिए, जिससे हम सब उसके प्रचंड तेज से नाश न हो सके। देवताओं का प्रस्ताव स्वीकार करके ब्रह्मा जी उस राक्षस को वर देने के लिए चले गए। वहां पहुंचकर उन्होंने उसे अभिलक्षित वर मांगने को कहा। तब ब्रह्मा जी का वचन सुनकर उस राक्षस ने कहा कि यदि आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं और मुझे वर देना चाहते हैं तो मुझमें अपार बल दे दीजिए। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर वापस अपने लोक को चले आए। ब्रह्मा जी से बल पाकर वह राक्षस हर्ष से अपने घर गया और अपनी माता को प्रणाम करके अभिमान से सारा समाचार कह सुनाया और कहा कि अब मैं इंद्र आदि सभी देवताओं विष्णु आदि सभी को मार दूंगा। उसकी माता उस समय कुछ नहीं बोली। प्रबल राक्षस भीम ने इंद्र आदि देवताओं को युद्ध में जीतकर उन्हें उनके स्थान से चूत कर दिया और भगवान विष्णु को भी युद्ध में जीत लिया तथा आनंद से रसातल में चला गया। तब उसने दक्षिण दिशा में कामरूप के स्वामी को युद्ध में जीता और उसे भी प्रताड़ित किया। उसने कामरूपेश्वर का सारा कोष अपहरण कर लिया। कामरूपेश्वर शिवजी का बड़ा भक्त था। उसे अपनी बेड़ी से बांधकर एकांत में डाल दिया, परंतु उसने कारागार में भी अपने कल्याण की इच्छा से शिवजी की उत्तम पार्थिव मूर्ति बनाकर प्रतिदिन पूजा करने लगा, भजन आदि करने लगा। उसने वहां गंगा जी की बड़ी ही मधुर स्तुति करी और मानसिक स्नान करके शिवजी का पूजन किया। उसकी पतिव्रता स्त्री दक्षिणा ने भी अपने पति से सीख लेकर प्रीति सहित वैसा ही पार्थिव विधान किया। इस प्रकार दोनों स्त्री पुरुषों ने एक भाव से भक्तों के कल्याणकर्ता शंकर भगवान की आराधना करी।
उदय ब्रह्म वरदान से अभिमानी राक्षस यज्ञ के सब कर्म धर्म का लोप कर रहा था। उस दुरात्मा राक्षस ने राक्षसी सेना के साथ सब पृथ्वी को अपने वश में कर लिया, स्वयं स्वतंत्र हो उत्तम भोगों का भोग करने लगा। उसने इंद्र आदि देवताओं, ऋषियों और ब्राह्मणों को पीड़ा पहुंचानी शुरू कर दी और उन्हें उनके लोक से निकाल दिया। वे सब विष्णु जी को साथ लेकर शिव जी के शरण में चले गए। अनेक स्रोतों और स्तुति से भगवान शिव को उन्होंने प्रसन्न किया। पार्थिव बना सविधि पूजन कर अनेक स्रोतों सहित क्रम से नमस्कार आदि उपचारों से उनकी पूजा अर्चना करी। सब देवताओं की स्तुति से शिवजी भगवान प्रसन्न हो गए और उन्होंने कहा कि हे विष्णु, हे देवताओं, हे ऋषियों, हे ब्राह्मणों, मैं तुम्हारी स्तुति से प्रसन्न हुआ। तुम मन वांछित वर मांगो, मैं तुम्हारा सभी कार्य सिद्ध कर दूंगा। तब देवताओं ने कहा कि हे महादेव, आप सबके मन की बात को जानते हैं, आप अंतर्यामी हैं, आपसे कोई बात छिपी हुई नहीं है। फिर भी हे महादेव, आपकी कृपा से हम आपसे यह कहते हैं कि कुंभकर्ण से उत्पन्न हुआ कर्कटी का पुत्र बलि राक्षस ब्रह्मा के वरदान से सभी देवताओं का अहित कर रहा है। हे प्रभु, हे महेश्वर, आप उस दुखदायी राक्षस भीम को मारिए और हम पर कृपा करके इस कार्य में विलंब मत कीजिए। शिवजी ने यह स्वीकार कर लिया और देवताओं से कहा कि तुम लोग जाकर काम रूपेश्वर से मेरा भजन करने को कहो और यह भी कह दो कि अब तुम्हारा कार्य शीघ्र ही हो जाएगा, तब मैं उसे मारने जाऊंगा। देवताओं ने काम रूपेश्वर के पास जाकर जैसा शिवजी ने कहा था वह कह सुनाया। फिर महर्षियों सहित सब देवता अपने स्थान को चले गए। तब शिवजी अपने गणों को साथ लेकर वहां गए जहां पर वह महाबली कामरूपेश्वर पार्थिव लिंग की पूजा कर रहा था। वहां जाकर शिवजी अपने भक्त के अर्थ से गुप्त हो रहे और अपनी माया को सब कार्य करने के लिए स्वतंत्र कर दिया। फिर तो किसी ने जाकर राक्षस से निवेदन किया कि राजा तुम्हारे लिए मारण का प्रयोग कर रहा है। यह सुनते ही वह राक्षस क्रोधित हो गया और हाथ में तलवार रेख कर राजा को मारने के लिए गया। वहां जाकर उसने राजा के उन सब विधान को देखा। उसने कहा कि मैं इसे बलात्कार से मारूंगा। इसके पश्चात वह राजा से बोला कि हे दुष्ट आत्मा, तू यह यहाँ क्या कर रहा है? सत्य सत्य बता, अन्यथा मैं तुझे अभी मार डालूंगा। कामरूपेश्वर का शिव में पूर्ण विश्वास था। उसने अपने मन में तत्काल विचारों के जो होना होगा उस होनी को कोई नहीं टाल सकता। सब कुछ प्रारब्ध के अधीन है और शिव ही प्रारब्ध हैं और वे ही दयालु हैं, इस पार्थिव लिंग में निश्चय ही उपस्थित हैं। तब क्या वे मेरे लिए कुछ न करेंगे? फिर यह राक्षस क्या है? वह मनी मन वह इस तरह सोचने लगा। शिव जी अवश्य ही अपनी प्रतिज्ञा को सत्य करेंगे क्योंकि वे सर्वदा ही सत्य प्रतिज्ञ हैं। ऐसा शास्त्रों में मैंने सुना है। जो उनके भक्त को कष्ट पहुंचाता है वह दुष्ट भगवान शिव द्वारा मारा जाता है। वह मनीमन इस तरह सोचने के बाद हृदय में धारण किए राजा ने मन में बड़ी भक्ति से धैर्य पूर्वक शंकर देव की प्रार्थना करी और उस राक्षस से कहा कि हे महाराज, कि हे शिव जी, मैं आपका हूँ, आप मेरी रक्षा करें। ऐसा मन में ध्यान करके राजा ने उस राक्षस का तिरस्कार करते हुए कहा कि हे राक्षस धम, तू मुझे क्या भय दिखलाता है? मैं चराचर के स्वामी निर्विकार उस शिव देव को भज रहा हूँ जो अपने भक्तों के पालन करता है। फिर तो उस काम रूपेश्वर राजा का वचन सुनते ही वह राक्षस क्रोध से लाल पीला हो गया और वह बोला कि मैं तेरे शिव को जानता हूँ, वह मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जिसको मेरे पिता के भाई रावण ने दास के समान बना कर रखा, तो उसी के बल पर मुझे क्या जीतना चाहता है? तेरा शिव कहाँ रहता है? मैं तो यहाँ उसे कहीं नहीं देख पा रहा हूँ, परंतु मैं तुझे देख सकता हूँ और मेरे देखते हुए तू यह पूजन नहीं कर सकता। तू शिव के रूप को छोड़ मेरा पूजन कर, अन्यथा मैं तुझे कठोर दंड दूंगा। उसके ऐसे वचनों को सुनकर शिव जी में दृढ़ विश्वास वाले उस काम रूपेश्वर राजा ने कहा कि मैं कैसा भी नीच और दुष्ट क्यों न हूँ, किंतु शिव जी की पूजा को मैं नहीं छोड़ सकता। मेरा सर्वोच्च स्वामी मात्र शिव जी है, वह मुझे कदापि नहीं त्यागेंगे।
अब इस प्रकार उस शिव राजा का वचन सुनकर वह भीम राक्षस बोला कि तू उस शिव की मुझसे क्या प्रशंसा करता है जो पागलों की भांति हमेशा भीख मांगता है। फिर वह अपनी आकृति को क्या जानेगा। भक्तों का पालन करना योगियों के शक्ति के बाहर है। ऐसा विचार कर तू शिव से विरक्त हो जा मैं उनसे युद्ध करूंगा। राक्षस भीम के ऐसा कहने पर शिव के दृढ़व्रती राजा ने निर्भयता से उसे कहा कि हे दुष्ट आत्मा, मैं ऐसा नहीं कर सकता, परंतु तू शक्तिमान है, इसलिए तू ऐसा कर सकता है। राजा की ऐसी बात सुनकर उस राक्षस ने पैनी तलवार उठाकर भगवान शिव के पार्थिव लिंग पर प्रहार करना चाहा, परंतु उसी समय उस पार्थिव लिंग में से सम शिवजी प्रकट हो गए और उन्होंने उस राक्षस के ऊपर त्रिशूल फेंककर उसके टुकड़े 100 टुकड़े कर डाले। तब उस दैत्य ने शंभू के ऊपर अपनी शक्ति का जैसे ही प्रहार करना चाहा, तो शिवजी ने अपने बाणों से उसके लाखों टुकड़े कर दिए। इसके बाद महादेव जी ने अपने परिध अस्त्र का प्रहार किया। शिवजी भगवान ने क्षण मात्र में ही उसे तिल के समान काटकर खंड खंड कर दिया। इसके पश्चात शिवजी के गणों और राक्षसों का बड़ा ही भयंकर युद्ध हुआ, जिससे पूरी पृथ्वी व्याकुल हो गई। तभी वहां नारद मुनि आ गए। उन्होंने हाथ जोड़कर सिर झुकाकर दुख दूर करने वाले महादेव जी की प्रार्थना करनी शुरू कर दी। नारद भगवान बोले कि हे नाथ, आप क्षमा कीजिए, एक तृण पर नया कुठार का प्रयोग होता है, आप इसे शीघ्र मारिए। फिर तो नारद जी की ऐसी प्रार्थना करने पर शिव जी ने अपनी एक ही हुक्कार से उस राक्षस को भस्म कर दिया। राक्षस भीम कहाँ है, शिव जी के इस प्रकार क्रुद्ध होने पर उसकी राख तक का पता न चला। शिव जी की कृपा से इंद्र आदि देवताओं और मुनियों को शांति प्राप्त हुई और सारा संस्थान स्वस्थ हो गया। उसके पश्चात सभी देवताओं और मुनियों ने शिव जी से वहाँ निवास करने की प्रार्थना करी। तब लोक कल्याण की दृष्टि से वहाँ भीम शंकर नाम का ज्योतिर्लिंग उपस्थित हो गया। हे ऋषियों, अब मैं तुम्हें महान से भी महान पापों के नाश करता विश्वेश्वर के महात्म्य को सुनाता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। इस संसार में जो कुछ भी वस्तुएं दिखाई देती है, वे सब निर्विकार सनातन चिदानंद स्वरूप है। वह शिव स्त्री पुरुष के भेद से 2 प्रकार के रूप वाले हैं। तब उनमें जो पुरुष है वह तो शिव है और जो स्त्री रूप है वह शक्ति है। हे मुनि सतमो, ऐसा होकर वे दोनों रूप अदृश्य हो गए और उसी चिदानंद रूप में मिलकर स्वभावतः प्रकृति और पुरुष रूप में प्रकट हो गए। जब उन्होंने इस संसार में अपना कोई माता पिता न देखा तो वे प्रकृति और पुरुष बड़े संदेह में पड़ गए। उस निर्गुण परमात्मा से यह आकाशवाणी हुई कि तप करना ही योग्य है, तब से ही उत्तम सृष्टि उत्पन्न होती है। तब उस प्रकृति पुरुष ने कहा कि हे स्वामी, हे शिव जी, यह तो तप करने को आपने अच्छा कहा, परंतु हमें कोई ऐसा स्थान नहीं दिखलाई पड़ता जहां हम आपकी आज्ञा से तपस्या कर सकें। तब उसी निर्गुण शिव ने अपनी प्रेरणा से समस्त तेजों के सार स्वरूप, जो सभी साधनों से संपन्न शोभायमान और सुंदर था, ऐसे 5 कोस का एक सुंदर नगर उसी पुरुष के समीप में निर्माण कर दिया, जहां स्थित होकर विष्णु ने षष्ठी रचने की इच्छा से शिवजी का ध्यान करते हुए बहुत समय तक तपस्या करी थी। तब उनके परिश्रम से वहां अनेक जलधाराएं प्रकट हो गई थी, जिसमें शून्य के सिवा और कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता था। इस अद्भुत दृश्य को देखकर विष्णु जी को बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने कहा कि यह क्या हो गया। इसके पश्चात उन्होंने अपने शरीर को जोर से हिलाया तो उनके कान से एक ऐसी मणि निकल कर गिर पड़ी, जिसमें वहां मणिकर्णिका नामक एक बड़ा तीर्थ प्रसिद्ध हो गया। फिर तो मणिकर्णिका के उस 5 कोस के विस्तार वाले संपूर्ण जल को निर्गुण शिव जी ने अपने त्रिशूल पर धारण कर लिया, जिसमें विष्णु जी अपनी स्त्री सहित सो गए और शिव जी की आज्ञा से उनके नाभि कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। उन्हीं ब्रह्मा जी ने शिव जी की आज्ञा से इस अद्भुत सृष्टि की रचना करी और ब्रह्मांड सहित 14 लोक बनाए। इस ब्रह्मांड में अपने अपने कर्मों से बंधे हुए प्राणी मुझे
किस प्रकार पाएंगे, ऐसा विचार करके पंचकोशी को उन्होंने उनसे पृथक कर दिया। इस प्रकार यह पंचकोशी लोक में कल्याणदायक तथा कर्मों को नाश करने वाली है, इसी का नाम काशी है, जो मोक्ष की प्रकाशिका और ज्ञानदात्री मेरी प्रिय नगरी है। यहाँ पर शिव जी ने अपने मुक्तिदायक ज्योतिर्लिंग को सम स्थापित किया था, जो उनकी आज्ञा अनुसार इसे कदापि नहीं त्याग सकता। ऐसा निश्चय करके शिव जी ने उसे पांच कोश वाले सर्वसाधन संपन्न काशी नगरी को अपने त्रिशूल से उतार कर मृत्युलोक में स्थापित कर दिया, जो ब्रह्मा का दिन पूरा होने पर भी नाश को नहीं प्राप्त होता। और इस प्रकार प्रलय में भी शिव जी उसे अपने त्रिशूल पर धारण किए रहते हैं। फिर जब ब्रह्मा जी षष्ठी रचने लगते हैं तो इस काशी को पुनः स्थापित करते हैं। कर्म बंधनों के आकर्षण करने से यह काशी कही गई। काशी में अभी मुक्तेश्वर लिंग सदा स्थित रहता है, जो महान पापियों को भी मुक्त कर देता है। काशी से अलग रहने वाले जीवों को शाश्वत आदि मुक्तियां प्राप्त होती है, परंतु यहाँ काशी में पापियों को सायुज्य नामक उत्तम मुक्ति प्राप्त होती है। जिन प्राणियों की कहीं गति नहीं होती, उनकी वाराणसी पुरी में गति हो जाती है, क्योंकि यह माया पुण्यदायक पंचकोशी कोटि हत्याओं को नाश करने वाली है। औरों की तो बात ही क्या, यहाँ तो देवताओं को भी मरने की इच्छा रखते हैं, क्योंकि यह सर्वदा शिव की प्रिय मुक्ति और भुक्ति को देने वाली है। यही कारण है कि ब्रह्मा विष्णु सिद्ध योगी मुनि तीनों लोकों के मनुष्य भी इस काशी की सर्वदा प्रशंसा करते हैं। ब्राह्मणों, मैं इस काशी की महिमा का वर्णन सैकड़ों वर्षों में भी नहीं कर सकता। जो भीतर से सत्व गुण युक्त और बाहर से तमोगुण वाले तथा निर्गुण और अनेक गुणवान कैलाशपति काला अग्नि नाम से प्रसिद्ध और रुद्र हैं, उन्होंने अनेक प्रकार की प्रार्थनाएं कर ऐसा शंकर से कहा। तब रुद्र ने कहा कि हे विश्वेश्वर, हे महेश, हे महादेव, मैं आपका हूँ, इसमें कोई संदेह नहीं है। आप माता पार्वती सहित मुझ पुत्र पर कृपा कीजिए। हे जगत के स्वामी, हे जगत पते, आप सर्वदा लोक के कल्याण की कामना से यहाँ निवास करें और सबको तारें, यही मेरी प्रार्थना है। तब इस प्रकार बुद्धिमान रुद्र जी उस अविमुक्त क्षेत्र शिव जी से बहुत प्रार्थना कर नेत्रों में आंसू बहाते हुए बोले कि जो उन अविमुक्त देव ने कहा कि देव देव महादेव, हे काल रूपी रोग की औषधि त्रिलोकपति, इसमें संदेह नहीं कि आप ब्रह्मा विष्णु आदि देवों से भी सर्वदा ही सेवनीय हैं। हे देव, अब आप इसी काशीपुरी को अपनी राजधानी बना करके यहाँ निवास करें। मैं अचिंत्य सुख के कारण ध्यान करता हुआ यहाँ स्थित रहूंगा, क्योंकि आप ही मुक्तिदाता हैं और कोई नहीं। आप समस्त जीवों का भव सागर से उद्धार कीजिए, आपसे हमारी यही प्रार्थना है। तब सूत जी कहते हैं कि इस प्रकार सबके राजा शिव जी ने लोगों के उपकार के लिए उस विश्वनाथ से इस प्रकार प्रार्थना करी, तो उन्होंने वहां अपना निवास स्थान बना लिया। जिस दिन से शिव जी काशी में पधारे, उसी दिन से ये काशी नगरी सर्वश्रेष्ठ और पवित्र हो गई। ऋषियों ने कहा कि हे सूत जी, यदि यह वाराणसी नगरी इतनी पवित्र है, इसका प्रभाव तथा इसके अविमुक्त ज्योतिर्लिंग का महात्म्य भी हमें सुनाइए। तब सूत जी बोले कि मैं वाराणसी के महात्म्य तथा विश्वेश्वर शिव की सुंदर महिमा और उस कथा को सुनाता हूँ। तुम सब इस कथा को ध्यान से सुनो। जब एक समय देवी पार्वती ने लोगों के कल्याणार्थ काशी तथा अविमुक्त लिंग के महात्म्य को शिव जी से पूछा, तो शिव जी ने कहा कि हे प्रिय, वाराणसी नामक मेरा क्षेत्र सदा गोपनीय और सब प्राणियों को मुक्ति देने वाला है। मेरे इस क्षेत्र में सिद्ध सर्वदा मेरे व्रत का आश्रय लिए हुए लोगों का उपकार करते रहते हैं। उनके अपने अपने अलग चिन्ह होते हैं। कोई जितेंद्रिय होकर अपनी आत्मा को वश में किए महायोग का अभ्यास करते हैं, जो भुक्ति और मुक्ति फल को देने वाले परम पाशुपत योग में तत्पर रहते हैं। यही कारण है कि मुझे काशी अत्यंत प्रिय है। यहाँ रहने वालों को किसी तीर्थ की यात्रा करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ रहने वाले भक्त और विज्ञानी दोनों ही मुक्ति के भागी हैं। कोई तीर्थ यात्रा करे या न करे, दोनों ही समान हैं। वे जहाँ कहीं भी मरेंगे, उनको तत्काल मोक्ष प्राप्त होगा।
क्योंकि इस परमो उत्तम अविमुक्त नामक तीर्थ की यही विशेषता है। यहाँ सभी वर्ण आश्रम बालक युवा वृद्ध कोई भी हो, इस काशीपुरी में मरेगा तो अवश्य ही मुक्ति प्राप्त होगी। सद्वा या विधवा स्त्री कन्या पवित्र अपवित्र प्रसूता कोई भी बिना संस्कार वाली हो, चाहे कैसी भी क्यों न हो, किसी भी समय अगर वह मरेगी तो तुरंत उसे मोक्ष प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस क्षेत्र में उत्पन्न हुआ चाहे वह स्वेदज अंडज उद्भिद कोई भी जीव हो, उसे मरने पर मोक्ष ही प्राप्त होगा। ऐसी मुक्ति काशी को छोड़कर अन्यत्र कहीं नहीं मिलेगी। हे देवी, इस क्षेत्र में ज्ञान की कमी और दान की अपेक्षा कुछ नहीं है। यहाँ न तो किसी संस्कार की आवश्यकता है, न किसी ध्यान की, न किसी का नाम की, न किसी श्रेष्ठ जाति की। मेरे इस मोक्षदार क्षेत्र में जो भी मरेगा उसे निश्चय ही मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। हे प्रिय, इसी कारण मेरी यह दिव्य नगरी अत्यंत गोपनीय है। हे पार्वती, इसके महात्म्य को ब्रह्मा जी भी नहीं जानते, क्योंकि यह क्षेत्र सबसे बड़ा है। मरने के बाद और तीर्थों से अधिक यह मोक्ष देने वाला है। मनुष्य चाहे भोजन करता हो, सोता हो, अन्य क्रियाओं को करता हो, वह अविमुक्त शंकर के पास प्राणों को छोड़ते ही अवश्य मोक्ष प्राप्त करेगा। मनुष्य जिस इच्छा की प्राप्ति के लिए इस नगरी में तपस्या करेगा, उसे मैं निश्चय ही उसका संपूर्ण फल दे दूंगा। यहाँ पर शरीर त्यागने वाले को कहीं पर भी कर्म बंधन नहीं होता। देवता ऋषियों के सहित ब्रह्मा विष्णु सूर्य और समस्त महात्मा भी मेरी यहाँ पर साधना करते हैं। अधर्म की इच्छा वाला व्यक्ति भी यदि इस क्षेत्र में मरता है तो उसे भी मुक्ति दे देता हूँ। महात्मा पुरुष सैकड़ों जन्मों में मोक्ष को प्राप्त करते हैं, परंतु यहाँ पर प्राण जो त्यागता है वह सिद्ध परम मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। हे पार्वती, इस काशी नगरी में भक्तों ने अगणित लिंगों की स्थापना करी है। वे शिवलिंग संपूर्ण कामनाओं को देने वाले और मोक्ष को देने वाले हैं। यह क्षेत्र चारों दिशाओं में 5 कोस तक फैला हुआ है। इसमें कहीं भी प्राणी मरे वह सीधे ही अमृत तुल्य हो जाएगा। पापों से रही जो मनुष्य यहाँ प्राण त्यागता है वह शीघ्र ही मोक्ष को प्राप्त होगा। अगर कोई पापी यहाँ प्राण त्यागता है तो वह भी मोक्ष को पाता है। हे सुंदरी, इस प्रकार यहाँ पाप करने वाले की जैसी गति है वह मैंने तुमसे कह दी। यह जानकर मनुष्य यहाँ पर अविमुक्त क्षेत्र का सेवन करता है। सैकड़ों सहस्त्रों कल्पों में भी किया हुआ कर्म क्षय को नहीं प्राप्त होता, परंतु जो अशुभ कर्म को करता है उसे नरक भोगना पड़ता है और शुभ कर्म करने वाले को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। शुभ और अशुभ प्रकार के कर्मों से मनुष्य का जन्म होता है। हे पार्वती, दोनों के नाश होने पर निश्चय ही मुक्ति हो जाती है। हे महेश्वरी, कर्म कांड में 3 प्रकार के बंधन में डालने वाले कर्म कहे गए हैं, यथा संचित, क्रियमाण और प्रारब्ध। पूर्व जन्म में संचित किए हुए को संचित कर्म कहते हैं। जो शुभ अशुभ कर्म इस जन्म में किए जाते हैं उन्हें क्रियमाण कहते हैं, तथा जो शरीर के फल स्वरूप भोगे जाते हैं वे प्रारब्ध कहलाते हैं। प्रारब्ध कर्म का नाश केवल भोग से ही होता है और अन्य किसी प्रकार से नहीं हो सकता। संचित तथा क्रियमाण इन दोनों कर्मों का विनाश पूजन आदि उपाय से होता है। यदि पूर्व जन्म में श्रद्धा पूर्वक काशी जी का दर्शन किया हो तो वह काशी में आकर मृत्यु को प्राप्त होता है और प्रकट काशी में मृत्यु को नहीं प्राप्त कर सकता। जो मनुष्य काशी में जाकर गंगा स्नान करता है वह संचित तथा क्रियमाण का विनाश कर देता है। प्रारब्ध कर्म बिना भोगे नाश नहीं होता, परंतु काशी में मरे हो तो उसका वह कर्म भी क्षय हो जाता है। यदि किसी ने पहले काशी का सेवन किया हो तो उस बीज से उसे फिर काशी प्राप्त होती है। जैसा भी हो, कर्म बंधन काटने वाले काशी का सेवन करना ही योग्य है। जो काशी में एक भी ब्राह्मण को भोजन कराता है वह काशीवास को पाकर मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। काशी में मरे हुए का तो फिर जन्म ही नहीं होता। और यदि कोई कामना और फल के उद्देश्य से प्रयाग में मुक्ति पाता है तो उसे काशी का फल नहीं प्राप्त होता। इस प्रकार काशी जी का बहुत महात्म्य है और सत्पुरुषों को भुक्ति और मुक्ति देने वाला ये विश्वेश्वर का महात्म्य है। जो मनुष्य इस महात्म्य को सुनता है वह सब पाप धर्म से छूट जाता है।
इस प्रकार आज मैंने आपको भीमेश्वर महात्म्य और विश्वेश्वर महात्म्य सुनाया। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे के महात्म्य के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।